बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका आड़ी, आपका यार इब्ने आस। आज हम बात करेंगे नाम नहाद मोटिवेशनल स्पीकर्स पर। इसमें दो चार सही भी होंगे, दो चार ओरिजिनल भी हैं, लेकिन दो चार को छोड़कर बाकी सब जो कर रहे हैं और जिस तरह कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि जी मोटिवेशनल स्पीकर कहाँ पाए जाते हैं, किस हुलिये में पाए जाते हैं, किस प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं और ये पैदा कैसे होते हैं। ये बड़ा गंभीर सवाल है। जिस आदमी को जरा सा बोलना आ जाए वो खुद को मोटिवेट नहीं करता, वो दूसरों को मोटिवेट करना शुरू कर देता है। आपको चाय के होटलों पर मिलेंगे मोटिवेशनल स्पीकर, पान के खोके पर भी खड़े हुए मिलेंगे, बस में मिलेंगे, हत्या के जो जिस रक्षे में आप बैठे होंगे वो रक्षे वाला भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होगा। आप स्कूलों में टीचर्स हैं, बेसिकली तो उनको मोटिवेशन स्पीकर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ टीचर नाकाम तरीन लोगों की एक नस्ल में से कुछ लोग होते हैं जो खुद भी नाकाम रहते हैं और नाकाम तरीन शागिर्द पैदा करते हैं। पाकिस्तान में मोटिवेशन स्पीकर स्पीकिंग का एक फैशन आया हुआ है। आप जरा यूट्यूब पर चले जाएं, आपको एक से एक मोटिवेशन स्पीकर मिलेगा। कभी आप दूसरे ममालिक के मोटिवेशन स्पीकर की तकरीरें सुने, गुफ्तगू सुने, वो दरहकीकत आपको मोटिवेट करना चाहते हैं और उनके पास उनकी कुछ वर्किंग भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ मोटिवेशन स्पीकर अल्लाह की पनाह, ये डेल कार्नेगी की किताब पढ़ ली, स्टीफन आर कवे की किताब पढ़ ली, दो चार किताबें पढ़ ली, यूट्यूब पे दो चार वीडियो देख ली और उसमें से कुछ अपना मवाद बनाया और उसके बाद डिलीवर कर दिया, फेंक दिया। और लोग समझते हैं कि इनकी गुफ्तगू सुनकर वो उसी तरह कामयाब हो जाएंगे जिस तरह बता रहे थे। ऐसा नहीं होता। कामयाब होने के लिए तो भाई मेहनत करना पड़ेगी, ख्वाह वो मेहनत आप मुलाजमत की सूरत में करें, ख्वाह वो मेहनत आप बिजनेस की सूरत में करें, किसी तरह की भी मेहनत करें, तो बस आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुअली आपको ज़िंदगी के तजुर्बात बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। कोई दूसरा जब आपको बताता है कि आप ये कर लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो कभी भी उसमें आप कामयाब हो नहीं सकते। वजह यह कि जिन हालात और जिन वाक़ियात से आप गुजरते हैं उस मोटिवेशन स्पीकर को उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। आपके घर के मामलात क्या चल रहे हैं, आपकी ज़हनी कैफियत क्या चल रही है, आपकी ज़िंदगी में कैसी उठापटक चल रही है, आपके साथ हकीकतन क्या क्या मामले हो रहे हैं, बेगम से फड्डा चल रहा है, महबूबा ने लात मार दी है या वो भाव दे रही है, मुलाकात नहीं कर रही, टाइम नहीं दे रही, मैसेज का जवाब नहीं दे रही, मतलब हर तरह के मसाइल आपके साथ चल रहे हैं ना। मोटिवेशन स्पीकर को नहीं पता इन तमाम मसाइल के साथ। आपको तो सिर्फ बता रहा है, फार्मूला बता रहा है। ज़िंदगी फार्मूलों से कभी चली है? ज़िंदगी तो मेहनत से चलती है। अगर आपने मेहनत करना सीख ली, चाहे वो किसी भी शोबे में करें, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। कभी आप डेल कार्नेगी की किताबें पढ़ लें, मिसाल के तौर पर दोस्त बनाइए इसकी किताब है, आप उस किताब पे अमल करना शुरू कर दें, आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्योंकि डेल कार्नेगी को पता नहीं था कि पाकिस्तान में लोग कैसे हैं। आप तो उसके फार्मूलों पे अमल कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे, बाकी लोग उस तरह बिहेव नहीं कर रहे जिस तरह उस किताब में बताया गया है। आप इखलास ही इखलास में मारे जाएंगे, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूँ, आप अमल करके तो देखें जरा। जैसे एक आदमी था, उसने किताब लिखी, ये समझ लें किताब का उन्वान था दौलत कमाने के 999 तरीके, और पूरी किताब में 999 तरीके दौलत कमाने के लिखे हुए थे। वो किताब लाखों की तादाद में फरोख्त हुई, बल्कि करोड़ों की तादाद में फरोख्त हुई। एक आदमी उस राइटर के पास पहुंचा और उससे कहा कि आपने किताब में 999 तरीके दौलत कमाने के लिखे हैं, तो आपने क्यों दौलत नहीं कमाई? कोई एक तरीका आप भी इख्तियार करते और दौलत कमाते?
तो उस राइटर ने जवाब दिया, ये जो मैंने किताब लिखी है ये उनमें से एक तरीका है, ये जो मैंने किताब लिखी है ये उनमें से एक तरीका है। कहने का मतलब यह है कि एक राइटर ने किताब लिखकर लाखों करोड़ों लोगों को किताब बेची और दौलत कमाई। और किताब क्या थी? दौलत कमाने के 999 तरीके। किताब क्या थी? दौलत कमाने के 999 तरीके। मोटिवेशनल स्पीकर का यही मामला है। आप जरा अपने इर्द गिर्द देखें, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, बेशक करोड़ों की तादाद में मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप बोलेंगे करोड़ों की तादाद में, आप जिससे भी बात करें, जिस शख्स से भी आप बात करें, आप पूछें, गुफ्तगू करें, आपको पता चलेगा कि वो आपको बताना शुरू कर देगा कि जिंदगी को कामयाब कैसे बनाना है, दौलत कैसे कमानी है। हर शख्स को पता है और फक्कड़ घूम रहा है साला, खुद नाकाम है। वैसे मैं मिसाल दूं बाप की, खुद तो एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया, लेकिन अपने बच्चों को बता रहा होता है ये मत करो नाकाम हो जाओगे, ये करो कामयाब हो जाओगे, खुद नाकाम होता है। आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, दोस्त हैं, क्या कर रहे होते हैं? ये पूरी दुनिया को दो चीजें कर रहे होते हैं। एक तो ये कर रहे होते हैं कि कामयाब होने के तरीके बता रहे होते हैं कि मियां ये कर लो, फला डिग्री ले लो, यू ये जॉब मिल जाएगी और यूं जिंदगी बदल जाएगी। खुद क्या कर रहे हैं? खुद कहीं 20,000 की क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं, कहीं छोटी सी मुलाजमत कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं। लेकिन दुनिया को ज्ञान बांटने का बड़ा उनके पास फलसफा है, हर चीज का फलसफा है, सब कुछ पता है उन्हें। और दूसरे, हर दूसरा आदमी दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर है, हकीम है, वो हर आप कुछ ठीक आया ना, वो आपको 16 टोटके बता देता है, 6-7 दवाइयां बता देता है, और खुद जब उसी मर्ज में मुबतला होता है डॉक्टर के पास भागा भागा फिर रहा होता है। ये अलमिया हम लोगों का। तो बात मोटिवेशन स्पीकर की थी। मोटिवेशन स्पीकर आपको मोटिवेट करता हो या ना करता हो, वो पैसा कमा लेता है, ठीक ठाक पैसा कमाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लाइन लगी हुई है हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मोटिवेशनल स्पीकर कुल बुलाते पड़ रहे हैं, इस गली में, उस गली में, कहीं बैठ जाए आप, किसी से सिर्फ इतना बोल दें कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, फिर देखें जरा आप, वो आपको कैसे कैसे फार्मूले बताएगा, कैसे कैसे कारोबार बताएगा। अरे मियाँ कुछ नहीं तो समोसों की दुकान लगा लो, वो देखो सामने समोसे वाला कितने कमा रहा है, दिन भर के 3,000 समोसे बेचता है, 10 रुपये फी समोसा भी लगा लो, 5 रुपये फी समोसा भी लगा लो, तो दिन में इतने बन जाते हैं, महीने में, हफ्ते में इतने बन जाते हैं, महीने में इतने बन जाते हैं, करोड़ों रुपए का हिसाब किताब लगा के आपके सामने बता देगा। ये मोटिवेशन स्पीकर। खुद क्या कर रहे हैं? खुद दुकान पर 10,000 रुपये महीने पर सेल्समैन ही कर रहे हैं। तो बस मजे आए हुए सब मोटिवेशन स्पीकर के, चांदी हुई है। हमारे एक दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, उनकी अम्मा उनसे कहती हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट समझते हैं ना आप, ये जो स्टार चलते हैं, ये जो यूट्यूब पे वीडियो चलती हैं, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स के जो एड होते हैं, इन एड्स के पीछे जो आवाज़ चलती है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट करता है। वैसे बिजनेसमैन है लेकिन अपनी आवाज बेचते हैं। उनकी अम्मा उनसे बड़ा मजे का जुमला कहती हैं, ऐसी बरसबीले तस्करा ये बात याद आ गई, उनसे कहते हैं मियाँ तुम मुंह की खाते हो। ये मुंह की खाना यार एक मुहावरा है लेकिन किस कदर परफेक्ट है। तो ये जितने भी मोटिवेशन स्पीकर हैं ये मुंह की खाते हैं, बल्कि ये मुंह से खाते हैं और जो उनकी सुनते हैं वो मुंह की खाते हैं। मेरा नहीं ख्याल के हमारे यहाँ जितने मोटिवेशन स्पीकर हैं या दुनिया में जितने मोटिवेशन स्पीकर हैं, इनकी
बक बक झक झक सुनकर लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव आया है? नहीं आया, किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। ये क्या कहते हैं, वक्ती नशा है। किसी बड़े मोटिवेशन स्पीकर की गुफ्तगू सुनना, अपने अंदर आग बढ़ जाती है, वो यूं कर दूंगा, यूं दुनिया बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। और उसके बाद जब वो उस हॉल से बाहर निकलते हैं, ठुस, कहानी वहीं से शुरू होती है। मोटिवेशन स्पीकर पैसे कमा के चला जाता है। तो असल में मुंह की ये खाते हैं, वो मुंह से खाता है, सिर्फ बोलता है। जैसे मैं भी इस वक्त बोल रहा हूँ ना आपके सामने, बक 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 बक, इससे पता नहीं आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मेरा काम पूरा हो जाएगा। यही मोटिवेशन स्पीकर करता है, अपना काम पूरा करता है, सिर्फ खड़े होके आपके आपके अंदर आग लगाने के पैसे लेता है वो। और वो आग वक्ती होती है, जैसे प्रोग्राम खत्म, बात खत्म, मोटी मोटी बारी किया। कभी आप मोटिवेशन स्पीकर से प्रोग्राम खत्म होने के बाद मिले, जहां पर वो तकरीर कर रहा है, उस हॉल से बाहर निकले, सड़क के दूर जाकर खड़े हो जाएं, आपको लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग के तरीके सिखाने वाला वापसी में रक्षी में है, बस में घर जा रहा होगा। यही सच्चाई है।